शहर जिला कांग्रेस दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की ए ब्लॉक द्वारा नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोहली के नेतृत्व में आयोजित वृद्ध जन सम्मान समारोह में मचा हंगामा। भजनगंज प्राचीन शिव मंदिर में बनाए गए हॉल का लोकार्पण और उसे किराए पर दिए जाने के निर्णय से भाजपाइयों में आक्रोश। भाजपाइयों ने द्रौपदी कोहली का पुतला जलाकर जताया विरोध। कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हुई धक्का मुक्की। गुरुवार को भजनगंज शिव मंदिर के सामने दोनों ओर का रास्ता रोककर टेंट लगाकर अजमेर शहर जिला कांग्रेस दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की ब्लॉक ए द्वारा नेता प्रतिपक्ष और स्थानीय पार्षद द्रौपदी कोहली के नेतृत्व में वृद्धजन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। इस दौरान भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को खबर लगी कि हॉल ही में भजनगंज प्राचीन शिव मंदिर की पहली मंजिल पर बनाए गए एक हॉल का लोकार्पण किया जा रहा है और इसे समारोह के लिए किराए पर देने का निर्णय लिया गया है। इसके विरोध में भाजपाइयों ने कार्यक्रम में पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ता कई बार आमने सामने हुए, काफी धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस के सामने यह हंगामा काफी देर तक चलता रहा। इस बीच भाजपाइयों ने नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोहली का पुतला जलाकर खूब नारेबाजी की, तो वहीं कांग्रेस जन ने भी नारेबाजी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोनों ओर से नारेबाजी का कॉम्पिटिशन चलता रहा। आखिर अलवरगेट थाना प्रभारी श्याम सिंह ने भाजपाइयों को समझा बुझाकर काफी देर के बाद वहाँ से रवाना किया। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का कहना है कि कांग्रेस हमेशा से सनातन विरोधी पार्टी रही है और आज इसकी मिसाल यहां देखने को मिल रही है कि भगवान शिव के मंदिर में बनाए गए हॉल को किराए पर देकर यहां की आस्था को आघात पहुंचाने का कृत्य किया जा रहा है। शादी पार्टी के लिए यह हॉल किराए पर दिया जाएगा, जहां लोग शराब भी पियेंगे, बीड़ी सिगरेट पियेंगे और भगवान का अपमान करेंगे। ऐसे में किसी हालत में इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं कांग्रेस जन का कहना है कि भाजपा बौखलाई हुई है, आगामी चुनाव में हार के डर से वह इस तरह के कृत्य कर रहे हैं, जबकि यहां कांग्रेस के कर्मठ वरिष्ठ बुजुर्ग कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मार्ग रोकने के मामले में प्रशासन से अनुमति ली गई है। घंटे दो घंटे का कार्यक्रम है, उसके बाद टेंट को हटा लिया जाएगा, किसी को कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। ये सरासर गलत है। मंदिर के प्रांगण के अड़ाके इन्होंने जो सामुदायिक भवन हुआ है, वह रोज पार्टी के आयोजन हो गए, जिसमें शराब की बोतलें वगैरह सब मंदिर में फेंकी जाएगी, उससे मंदिर की जो पवित्रता है वो नष्ट होती है। इसका हिंदू समाज और भारतीय जनता पार्टी पुरजोर विरोध करती है और इनको कहते हैं कि सद्बुद्धि लाओ, ये जो हिंदू विरोधी काम कर रहे हैं कांग्रेस वाले, इनको सद्बुद्धि दे भगवान, ऐसे हम इसलिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। द्रौपदी कोहली का पुतला फूंका गया, क्योंकि द्रौपदी कोहली ने यहाँ पे जो ये सामुदायिक भवन का निर्माण कराया है वो सरासर गलत है। मंदिर प्रांगण में किसी भी प्रकार के सामुदायिक भवन का निर्माण कराकर बाकी पवित्रता को नष्ट करना, ये बहुत सरासर प्लानिंग के लिए और अपने निजी स्वार्थ के हित के लिए काम कर रही है। पुलिस भी इसमें, पुलिस ने प्रशासन ने बीच बचाव करने की कोशिश करी है, हमने किसी प्रकार की यहाँ धक्का मुक्की नहीं हुई है, लेकिन हम यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें पुलिस प्रशासन ने यहाँ रोकने की कोशिश करी है। हमारी पुलिस प्रशासन से मांगे कि यहाँ जो रोड बन गए हैं उनको भी खोले जाएं और इस आयोजन की परमिशन इनके पास है कि नहीं वो भी चेक की जाए। आज हिंदुओं के ऊपर आघात वाली बात है, यहाँ पे एक शिलान्यास किया जा रहा है जिसका लोकार्पण हो रहा है आज नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोहली द्वारा। कई सारे लोगों को बुलाए गए, नाम दिया गया वृद्ध जन के सम्मान, मगर ये बहुत ही आघात वाली बात है हिंदुओं के लिए। ऊपर एक सामुदायिक भवन बनाया गया है, सामुदायिक भवन भी है, उसके नीचे 60 साल पुराना विश्वनाथ का मंदिर है, उस मंदिर के अंदर हमेशा धार्मिक कामों का आयोजन होता आया है। आज जो मंदिर परिसर में सामुदायिक भवन बना है उसका विरोध करने के लिए हम यहाँ आए, क्योंकि ये सामुदायिक भवन जो है शादी पार्टी ब्याह में वो किराए पे दिया जाएगा, उसमें अवांछित कार्य वो करेंगे, दारू पियेंगे, बीड़ी पियेंगे और मंदिर परिसर को गंदा करेंगे। इसके विरोध में हम यहाँ विरोध प्रदर्शन करने आए, क्योंकि ये सनातन धर्म के विरुद्ध है, क्योंकि किसी भी धार्मिक परिसर में सामुदायिक भवन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें शादी ब्याह होंगे, उसमें धूम्रपान दारू पियेंगे, जिससे मंदिर परिसर का कि जो वो होती है वो भंग होती है, इसलिए हम यहाँ विरोध करने आए हैं। रविंदर सिंह जादव, आदर्श मंडल अध्यक्ष। देखिए, कोई पता ही नहीं चल रहा है किस बात का ये लोग विरोध कर रहे हैं, पहले इनसे एक बार पता कर लें कि किस बात का विरोध है। मैं बोलना चाहूंगा कि आप देखिए, वरिष्ठ कांग्रेस जन का सम्मान समारोह यहाँ चल रहा है, करीब करीब 500 के करीब यहाँ पर बुजुर्ग और महिलाएं शामिल है, ठीक है। उसके बावजूद ये जिस तरह से गुंडागर्दी की गई है, हमारे पंडाल में घुसकर मान लीजिए किसी बुजुर्ग महिला या पुरुष के साथ धक्का मुक्की हो जाए, चोट आ जाए, बड़े सम्मान के साथ उनके परिवार जनों ने यहाँ पर भेजा है कि हमारे बुजुर्ग का सम्मान होगा, परंतु ये भाजपा के गुंडे इस तरह से धक्का मुक्की कर प्रशासन के दम पर यहाँ पर हमारे को डराने का काम कर रहे हैं। इनके किस बात की बौखलाहट है? लगता है कि शायद आने वाले चुनाव में इनको परिणाम की आशंका हो गई है कि इनका परिणाम बदलने वाला है, इसलिए ये डर के बैठे हैं और इसीलिए धमकाना जा रहे हैं। यहाँ पर निगम के फंड से जो हॉल बना है उसका ये लोग उद्घाटन कर रहे हैं,
जब हमने विरोध किया तो इन्होंने कार्यक्रम का स्वरूप चेंज कर दिया और जो हॉल बना है, हॉल जो बना है, हॉल में आए दिन पार्टियां होंगी, शराब की बोतलें लड़के फेंकेंगे मंदिर प्रांगण में, हिंदुओं की आस्था पर ठेस पहुंचेगी। यहाँ हॉल की जरूरत नहीं है, पानी के निकास की जरूरत है, यहाँ की जनता पानी का निकास चाहती है।